वरुण, सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में आज कोरोना का एक नया मामला आया सामने। विभिन्न अस्पतालों में 19 लोगों को इलाज जारी, 39 लोग ठीक होकर भेजे गए घर। प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस लाने की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। रेल मंत्री से किया 12 विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध। प्राइवेट चिकित्सकों से ओपीडी शुरू करने की अपील भी की। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे लोगों को घर भेजने की कवायद तेज। देहरादून, हरिद्वार और चंपावत में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लोगों को किया गया रवाना। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य, परिवहन और आपदा विभाग के अधिकारियों संग की बैठक। और पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में उत्तराखंड के 2 जवान शहीद। पिथौरागढ़ के रहने वाले शहीद शंकर सिंह बेहरा और गोकर्ण सिंह की शहादत पर प्रदेश में शोक। मुख्यमंत्री ने शहादत को किया सलाम। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में खबर लिखे जाने तक कोरोना का आज एक ही मामला सामने आया है। राज्य में अभी कोरोना के 19 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि अब तक 39 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में कोविड 19 मरीजों का रिकवरी रेट करीब 65% है, जबकि पॉजिटिव केस की संख्या 28 दिनों में दोगुनी हो रही है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन 3.0 में कई रियायतें दी गई हैं। इस लॉकडाउन में देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। सभी जोन्स में लोगों का शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी घूमना फिरना प्रतिबंधित रहेगा। तीनों ही जोन्स में मेडिकल और ओपीडी की सुविधा खुली रहेगी, लेकिन सामाजिक दूरी रखना और चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियों से पहले स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। इसमें सीमित लोग ही शामिल होंगे। ऑफिस और फैक्ट्रियों को कुछ शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो राज्य में 1 जिला रेड जोन, 2 ऑरेंज और 10 जिले ग्रीन जोन के अंतर्गत आते हैं। रेड जोन में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं। कृषि से जुड़े काम जैसे बुआई कटाई के साथ साथ मत्स्य पालन सहित पशुपालन के कामों को अनुमति होगी, लेकिन यहां सभी प्रकार के परिवहन के साधन बंद होंगे। रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी और स्पा, सलून और नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी। ऑरेंज जोन की बात करें तो यहां रेड जोन में जो छूट दी गई है वो जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त टैक्सी और कैब के चालन को अनुमति होगी, जिनमें ड्राइवर के अलावा 2 यात्री से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी। ऑरेंज जोन में अंतर जनपदीय बसों के संचालन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। ग्रीन जोन्स में आने वाले जिलों के लिए आर्थिक गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है। सभी प्रकार के दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इस जोन में 50% सवारियों के साथ बसें चल सकेंगी। इस जोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। लोगों को सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। कोरोना के बीच लॉकडाउन 3.0 का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइंस के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को सकुशल घर वापस लाने के अभियान की शुरुआत कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित राज्यों से समन्वय बनाते हुए सुनियोजित तरीके से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। वहीं उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से 12 विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध किया, ताकि जल्द लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। कोविड-19 से जो उत्तराखंड के लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं और जो अपने घर वापस आना चाहते हैं, ऐसे अभी तक 86,000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। जो केंद्रीय रेल मंत्री जी से हमारी डिमांड है कि दिल्ली से देहरादून और हल्द्वानी के लिए 2 अलग अलग ट्रेन, इसी तरह से चंडीगढ़ से देहरादून, लखनऊ से देहरादून, लखनऊ से हल्द्वानी, जयपुर से देहरादून, जयपुर से हल्द्वानी और मुंबई से देहरादून, मुंबई से हल्द्वानी, भोपाल से देहरादून, बेंगलुरु से देहरादून,
और अहमदाबाद से देहरादून के लिए कुल 12 रेलगाड़ियों की डिमांड हमारी माननीय रेल मंत्री जी से है। वहीं इस वैश्विक संकट के बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी प्राइवेट चिकित्सकों से विशेष अनुरोध किया है कि वो अपनी ओपीडी शुरू करें, जिससे आमजन को स्वास्थ्य सुविधा समय से मिल सके। उत्तराखंड के हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, मैं उनसे विशेष अनुरोध करता हूं कि आप अपनी ओपीडी प्रारंभ करें। कुछ लोगों ने प्रारंभ की है, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, काफी लोगों ने अभी भी ओपीडी अपनी प्रारंभ नहीं की है। तो उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आग्रह है मेरा उनसे कि कृपया आप सहयोग करें। इस आपातकाल में आपका ये नैतिक दायित्व भी है और आवश्यकता भी है, जरूरत भी है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दूसरे राज्य में फंसे उत्तराखंड वासियों को वापस लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देशित भी किया है। इसी को देखते हुए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग और आपदा विभाग के साथ बैठक की और दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को लेकर व्यवस्था जुटाने का प्लान तैयार किया, जिसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी। आदेश मिलने के बाद यहाँ पर हमारी बैठकें हुई हैं डीजीपी साहब से, और जो ट्रांसपोर्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, सबके साथ बैठक हुई है। इसमें खास बात यह होगी कि आने से पहले उस व्यक्ति का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और अगर वो सही पाया जाता है तो वो उसको आने की अनुमति दी जाएगी। राज्य में पहुंचने के बाद फिर उनका हेल्थ चेकअप होगा और अगर प्रथम दृष्टया कोई ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा कोई संदिग्ध स्थिति नजर में आती है तो उस केस में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। हेल्थ चेकअप हर केस में होगा और फिर स्थिति कैसी बनती है उस हिसाब से क्वारंटीन करना है नहीं करना है। कहीं पर हो सकता है कि व्यक्ति ऑलरेडी क्वारंटीन में रहा हो, उस केस में क्वारंटीन करने की शायद आवश्यकता न पड़े, लेकिन अगर कोई क्वारंटीन में नहीं रहा है और ग्रीन एरिया में जा रहा है तो लोकल लेवल पे जिलाधिकारीगण चीजों का असेसमेंट करके अपने मेडिकल टीम के साथ करके वो फैसला करते हैं। वहीं आज उन्होंने बताया कि 4 मई से सचिवालय सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगा, साथ ही 50% कर्मचारी ही ऑफिस बुलाए जाएंगे। सभी खुलेंगी, केवल रेड जोन में, शहरी इलाकों में मार्केट्स नहीं खुलेंगे, मॉल्स नहीं खुलेंगे, इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नहीं खुलेंगे। जैसे अभी तक व्यवस्था यहाँ चल रही थी कि स्टैंड अलोन दुकान, यानी कि किसी मोहल्ले में कोई दुकान है वो जरूरी है, गैर जरूरी है, एसेंशियल कमोडिटी बेचता है, नॉन एसेंशियल बेचता है, उसमें वो विभेद नहीं किया जाएगा, उसे खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अगर कोई मार्केट है और या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या कोई मॉल है, इनमें शहरी क्षेत्रों में, रेड डिस्ट्रिक्ट के शहरी इलाकों में इनको खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। लेकिन ऑरेंज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे ये सारी दुकानें खुल सकेंगी। राज्य के विभिन्न जिलों के देहरादून में फंसे हुए लोगों को प्रशासन ने घर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रायपुर स्टेडियम से करीब 500 लोगों को बसों से घर भेजा गया है। ये जानकारी देते हुए देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जो भी लोग घर भेजे जा रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ब्लॉक के अनुसार लोगों को बसों में बैठाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी को सफर के लिए भोजन और पानी भी दिया जा रहा है। उसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि इन लोगों को ला करके पहले इनकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद जो है इनको इनके जिस ब्लॉक के हैं उस ब्लॉक वाइज जो है उनको बैठाया जा रहा है, जिससे कि जो वहाँ पौड़ी पहुँचने के बाद इनको जो है अपने गंतव्य तक जाने में आसानी हो। इसमें श्रीनगर, कोटद्वार और पौड़ी, ये जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा बताया गया है कि इन 3 जगहों के हिसाब से बैठाया जाए, तो हम उस हिसाब से उन्हें यहाँ बैठा रहे हैं।
उनके खाने पीने का और बोतल पानी की और ये सारी चीज़ें उन्हें दी जा रही हैं, जिससे कि रास्ते में उन्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं हो। वहीं हरिद्वार के लक्सर से भी 181 लोगों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना किया गया। इन सभी लोगों को पहले लक्सर से भगवानपुर तक बस से भेजा गया, जिसके बाद भगवानपुर सबको उनके गंतव्यों की ओर रवाना किया गया। उधर चंपावत जिले के विभिन्न राहत शिविरों में रुके उत्तर प्रदेश के 441 प्रवासी मजदूरों को परिवहन निगम की 14 बसों से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। ये मजदूर अब तक चंपावत जिले और पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न राहत शिविरों में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किए गए प्रवासी लोगों में से 361 चंपावत में रोके गए थे, जबकि 80 लोग पिथौरागढ़ में रोके गए थे। सभी को टनकपुर और बनबसा में एकत्रित किया गया, जिसके बाद सभी को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद रवाना किया गया। लॉकडाउन के दौरान बीमार लोगों को दवा की दिक्कत ना हो, इसको लेकर चंपावत जिला प्रशासन लोगों के घर दवा पहुंचा रहा है। जिला मुख्यालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हेल्थ हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया गया है। जिले के लोग 2309-43 नंबर पर कॉल के माध्यम से अपनी दवा अब क्षेत्र में कहीं भी मंगवा सकते हैं। इस व्यवस्था के लिए चिकित्सा विभाग NRHM कर्मियों की सेवाएं ले रहा है। जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कोऑर्डिनेटर गौरव पांडे ने बताया कि इस कदम से सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों और मेडिकल स्टोर से दवा सीधे लोगों तक पहुंचाई जाती है। इस प्रकार बाजारों में भीड़ भाड़ को कम करने में भी मदद मिल रही है। निर्देशों के क्रम में सीएमओ कंट्रोल रूम में स्थापना की गई है इस हेल्पलाइन सेंटर की। इसके माध्यम से आवश्यक एवं जीवन रक्षक औषधियों की आपूर्ति, आम जनमानस को जो दवाइयाँ उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उनकी व्यवस्था कर उन तक घर तक पहुंचाई जा रही हैं, जिसमें हमारे चिकित्सा इकाइयों में तैनात फार्मासिस्ट एवं राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत हमारे जो STS हैं उनके माध्यम से इन दवाइयों का वितरण घर तक लोगों को किया जा रहा है। इसमें हमें हमारे कुछ अन्य स्टाफ हैं, जैसे कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, हमारे डॉक्टर शाहिद हैं, हमारे ऑफिस के जो रेगुलर स्टाफ हैं उनका भी काफी सहयोग मिल रहा है और सभी लोग मिलजुल कर इसको सफल बनाने में प्रयासरत हैं। हेल्पलाइन से मदद ले चुके ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही इस सुविधा से काफी खुश नजर आ रहे हैं। हेल्पलाइन सेंटर्स चंपावत को मैंने अपनी मेडिसिन के लिए कहा था और जितना प्रॉम्प्टली उन्होंने रिस्पांस किया और मुझे इन टाइम दवा उपलब्ध करा दी और उस टीम के सभी लोगों को मेरे हृदय से धन्यवाद। लॉकडाउन के कारण कोई व्यवस्था दवाई की नहीं हो पा रही थी। हमारी मम्मी सास की बीमार है, उसकी दवाई ख़त्म हो गई थी, तो फिर हमें पता लगा कि हेल्पलाइन के द्वारा प्रशासन से दवाई पहुंचाई जा रही है, तो हमने प्रशासन को सूचित किया। हेल्पलाइन से हमें प्रशासन घर में दवाई पहुंचा गई। ये स्कीम सरकार द्वारा बड़ी अच्छी चलाई जाएगी। लॉकडाउन के बीच अब किसानों को अपने गेहूं की फसल बेचने के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के निर्देशों के अनुसार अब गेहूं खरीद केंद्र की संख्या और क्रय करने के समय को बढ़ा दिया गया है। क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक ललित मोहन रयाल ने बताया कि इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलेगी। आरंभ में इसमें 154 क्रय केंद्र खोले गए थे, फिर किसानों को सहूलियत देने के उद्देश्य से उसे रीअसेस करके 30 केंद्र और बढ़ाए गए हैं, जो जहां पर अधिशेष उत्पादन सरप्लस प्रोडक्शन होता है उन इलाकों में, कि किसानों की प्रॉक्सिमिटी परचेज सेंटर तक आसानी से सुगम हो सके। कृषि कार्य को देखते हुए नैनीताल के जिलाधिकारी ने खरीद केंद्रों पर आवाजाही के मद्देनजर लॉकडाउन के बीच समय को लेकर रियायत दी है, ताकि किसानों के लिए समस्या उत्पन्न न हो। कृषि को लेकर जो हमारे काश्तकार हैं, चाहे उनके खेत यहाँ पर हैं या अन्य जिलों में हैं, तो उनकी खतौनी चेक करते हुए उनको अलाउ किया जा रहा है। हमने सारी SDMs को ऑथराइज कर दिया और अपने मुख्य कृषि अधिकारी को ऑथराइज किया हुआ है। फिर भी यदि कहीं पे कोई भी इशू आता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमको सूचना मिल जा रही है और हम कंसर्न SDMs को डायरेक्ट कर दे रहे हैं। लॉकडाउन के बीच दोहरी मार झेल रहे किसान समय और खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने से बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। फ़ायदा लाभ रेट तो इस टाइम पे ठीक ही मिल रहा है। थोड़ा बरसात की वजह से परेशानी जरूर हुई। क्रय केंद्रों में जा रहा हूँ, उसी पेमेंट भी हफ्ते भर में हो ही रही है और प्राइवेट में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये थोड़ा लॉकडाउन की वजह से परेशानी तो हुई, लेकिन रेट अच्छा मिल रहा है। लॉकडाउन के
लॉकडाउन के दौरान कैश को लेकर परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक की मोबाइल एटीएम वैन अब गांव-गांव जाकर लोगों को नकदी उपलब्ध कराएगी। किसी भी बैंक के ग्राहक इस एटीएम वैन से पैसा निकाल सकेंगे। बैंक के महाप्रबंधक पीपी सिंह ने बताया कि एटीएम वैन के भीतर स्वैप मशीन लगाई गई है। कोई भी ग्राहक आसानी से 25,000 तक की नकदी निकाल सकता है। को देखते हुए हमने जो एटीएम उसका पिन नंबर होता है एटीएम कार्ड का, उसका इंस्ट्रूमेंट हमने अलग रख रखा है। इसके अंदर वो कस्टमर उसके अंदर अपना डालेगा, एटीएम जो माइक्रो एटीएम मशीन है उसके अंदर नहीं डालेगा, अलग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। और जाने का रास्ता भी हमने इसमें अलग बना रखा है, वहाँ बिल्कुल सेफ रहेगा। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि मोबाइल एटीएम को हरी झंडी दिखाई उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एटीएम बैंक शाखा नहीं है, वहां पर ग्राहकों को धनराशि निकालने में सुविधा मिलेगी। यह वैन गांव-गांव जाकर लोगों को उनकी जो नकदी की जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगी, और इसमें वित्तीय समावेशन जो हमारा जो लक्ष्य है उसको हम और बेहतर तरीके से हासिल कर सकेंगे। इस वैन में पूरी तरीके से सीसीटीवी इत्यादि की एसी लगा है, सीसीटीवी लगा है, और पूर्ण रूप से इसमें सुरक्षा के मापदंड का ध्यान रखा गया है। साथ ही इसमें एक डिस्प्ले स्क्रीन भी है जो बैंकिंग संबंधित जो योजनाएं हैं। उपभोक्ता भगवती प्रसाद उनियाल ने जिला सहकारी बैंक की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। मोबाइल वैन की व्यवस्था की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इससे ग्रामीण में जो हमारे जो गांव में लोग रहते हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी जो इस बैंक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में मैक्सिमम जो खाताधारक हैं वो गांव के ही हैं, और गांव के लोग जो गांव के लोगों को जो है इससे राहत मिलेगी, बहुत अच्छी राहत मिलेगी। पूरे ज़िले में जो वैन घूमेगी एक अच्छी पहल है, सराहनीय कदम है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तानी गोलाबारी में उत्तराखंड के दो जवान शहीद हो गए हैं। दोनों जवान कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले के रहने वाले थे। शहीद नायक शंकर सिंह मेहरा और गोकर्ण सिंह की शहादत की खबर मिलते ही पिथौरागढ़ जिले सहित राज्य में शोक की लहर है। दोनों जवान 21 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवानों की शहादत को नमन किया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने जवानों की शहादत पर जहां गर्व है, वहीं उन्हें खोने का बेहद दुख भी है। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आज कोरोना का एक नया मामला आया सामने। विभिन्न अस्पतालों में 19 लोगों का इलाज जारी, 39 लोग ठीक होकर घर लौटे। प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस लाने की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। रेल मंत्री से किया 12 विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध। प्राइवेट चिकित्सकों से ओपीडी शुरू करने की अपील भी की। देश के विभिन्न जिलों में फंसे लोगों को घर भेजने की कवायद तेज। देहरादून, हरिद्वार और चंपावत में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लोगों को किया गया रवाना। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य, परिवहन और आपदा विभाग के अधिकारियों संग की बैठक। और पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में उत्तराखंड के दो जवान शहीद। पिथौरागढ़ के रहने वाले शहीद शंकर सिंह मेहरा और गोकर्ण सिंह की शहादत पर प्रदेश में शोक। मुख्यमंत्री ने शहादत को किया सलाम। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।